हिमाचल परिवहन मजदूर संघ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक एनजीओ भवन हमीरपुर में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राणा ने की। बैठक में कर्मचारी कल्याण के लिए 10 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक मांग पत्र बैठक में तैयार किया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि जो अधिकारी हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं उनकी सूची तैयार कर सरकार को सौंपी जाएगी। इस परिवहन मजदूर संघ के अंदर कुछ जगह कथित लोग अधिकारियों के साथ मिलकर हमारे परिवहन मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करवा रहे हैं, उनके तबादले किए जा रहे हैं, उनके अड्डे से हटाया जा रहा है, जूनियर लोगों को बांध में बैठा रहा है जिनकी दो दो साल नौकरी हुई, जिनकी तीन तीन साल नौकरी, उनको अड्डे पर बैठाया जा रहा है और जो हमारे सीनियर मोस्ट लोग हैं उनको मतलब बाहर भेजा जा रहा है। ऐसी हरकतें अगर अधिकारियों ने बात नहीं की, और मैं तो आपके माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और इस विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से भी ये निवेदन करूंगा कि ऐसे अधिकारियों को की सूचियां उनके पास भेजेंगे और वो ऐसे अधिकारी